हो गया। पतंजलि योग पीठ हरिद्वार सबसे गुरुवर परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के नेतृत्व में भारत के एक एक गांव को योग प्राणायाम के लाभ, योग प्राणायाम के अभ्यास और उससे होने वाले हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव और हमारा जीवन हमारे ऋषि मुनियों जैसा, हमारा जीवन योगत्व जैसा धारण करते हुए योगी जैसा हो जाए, ऐसे विराट संकल्प के साथ आज हम सभी एक ऐसे महान विराट योद्धा, हमारे देश के शिक्षक के रूप में जिसे जानते हैं और उन्होंने हमारे देश के राष्ट्रपति के पद को भी सुशोभित किया, वैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है, पूरा देश शिक्षक दिवस के रूप में आज मना रहा है। संयोग है, सौभाग्य है हम सबका कि हम सब राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम को बिहार प्रांत के भोजपुर जिले के गढ़ानी प्रखंड के बलिगांव पंचायत स्थित ऐतिहासिक डिहरी गांव में स्कूल के प्रांगण में बैठ करके शिक्षक दिवस को मना रहे हैं। आज 5 सितंबर 2016 ऐसे पवित्र और पावन दिवस पर हम सब इकट्ठे होकर के आरोग्य यज्ञ का अनुष्ठान 5 दिनों से चल रहे निःशुल्क योग शिविर के 5वें दिन का यह विराट आयोजन आप सबके सानिध्य से, आप सबके सहयोग से चल रहा है। इसलिए मैं डॉक्टर ब्रिजमोहन योग प्रचारक पतंजलि योग पीठ हरिद्वार आप सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे बाएं तरफ बैठे आदरणीय दिनेश कुमार जी, जिन्होंने भगीरथ प्रयास करके इस कार्यक्रम को अपने गांव में लाया, उनको भी मैं एक बार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और मंजा सिंह हमारी बाएं तरफ बैठे आदरणीय अरुण कुमार सिंह जी, जो दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार है भोजपुर जिले में और पूरा ग्रहणी क्षेत्र को देखते हैं, ऐसे शख्सियत को भी गांव की तरफ से और पतंजलि योगपीठ हरिद्वार की तरफ से एक बार कर ध्वनि से हम सब स्वागत करते हैं। अब हम सभी पवित्र देव यज्ञ के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र से आप सभी ध्यान मुद्रा में बैठ जाए, कमर को सीधा कर लें। आप सभी आंख बंद करके धीरे धीरे सांस को भरेंगे। मैं कुछ संस्कृत में मंत्रों का उच्चारण करूंगा और उसका हिंदी में भी मैं पाठ करूंगा, तो आप हिंदी में समझते हुए ईश्वर को धन्यवाद देना, ईश्वर की स्तुति करते हुए अपने जीवन को पवित्र बनाने का संकल्प और प्राणों के साथ यानी सांस प्रश्वास की क्रियाओं को आप लंबा गहरा जारी रखेंगे। ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुवा यद भद्रम तन्न आसुवा तू सर्वे सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे भिंग आता है, सारे दुर्गुण दुर्वसनों से हमको नाथ बचा लीजिए, मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्य गर्भ समवर्त सागरे भूतस्य जाता परितेकयासि शादाधार पृथ्वे धामुतेमा कस्मै देवाय हविषा विधेमा, तो ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभ त्राता है, सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और सिखाता है, पहले था अब भी तो ही है घट घट में व्यापक स्वामी, योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम ययात्मदा वलदाय विश्वपासते प्रथम यत देवा यत छायामृतम यत मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेमः, तू ही आत्म ज्ञान वलदाता सुयस विश्व गण गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं, तुझको ही अपना जीवन है मरण तुझे विसराने में, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में।
ओम या प्राणतो निमिषतो महेश्वरकित्राज जगतो बभूव यैते यस्य दिवदस्य दुष्पदा कस्मै देवाय अभिकावि देवा। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है, मनुष्य और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव से बेटे लेकर सब चरणों में आते हैं। ओम येन जलग्रह पृथ्वीचंद्रा येन सवितेन आकाश यो अंतरिक्षे ऋतो विमान कस्मै देवाय हविषामि देवा। तारे रवि चंद्रादिक रज कर निज प्रकाश चमकाया है, धरणी को धारण कर तूने कौशल अलग लगाया है। तुम्हें पोषक तेरा ही हम ध्यान करें, शुद्ध भाव से भगवान तेरे भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापते नृतान्योजातानी परिताप हुआ यद का मार्के धुमत बदल तू भयम पते हो रे नाम। तुझसे भिन्न न कोई जग में सब में तू ही समाया है, जन के सर सर तेरी रचना तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है, हे तू रहित अनुराग दीजिए यही भक्त को भाया है। ओम सन्नो भजन दास विधाता रामानि वेद भुवनानि विश्व यत्र देवा अमृत सार दास से धाम धरंता। तू गुरु है प्रदेश भी तू है, पाप शून्य फल दाता है। तू ही सखा बंधु मन तू ही तुझसे ही सब नाता है, भक्तों को इस अवबंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अद्वैत महाप्रभु सर्व काल का ज्ञाता है। ओम अग्ने सुपथा रायस्मान विश्वानि देव वैनानि विद्वान योहितम जीवरान भेनो भ्रष्टान्ते नम उक्ते विधेमः। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका सृजनहार, तू ही रतना नित दिन रटे तुम्ही को मन में बसना सदा तू ही। अगर अनर्थ से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान, अपने भक्त जनों को भगवान दीजे यही विशद वरदान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गंगा मैया।